कहता हूँ, इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है, को उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट हासिल कर लिया, इंडिया का ट्रस्ट जीत लिया। अगर ये कहा जाए तो गलत हो। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं जी कि हम 11 दिन का मैं एक स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहा हूँ। और अपने तैयारी कर रहे हैं कौन, जो एक सेरेमनी होनी है राम टेंपल के अंदर, जिसे बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर आपको बता दे। मैं प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियमों का पालन कर रहा हूं। जो है नरेंद्र मोदी है, उनको पता है कि भाई ये कहां से उठ के कहां पे आया हुआ है। अगर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहां पे लेके जा सकता है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात भी करता है। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला, मैं हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहां जा रहे हैं। वो डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, बहुत जबरदस्त। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले। और वो इंडिया की ग्लोरी एज ए ग्लोबल। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं कि मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ, अगर 50 मुल्कों में राम मंदिर की सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो ये क्या है बेसिकली। मैं सोनिया गांधी क्या जानने गई, क्या आस्था क्या होता है, भगवान राम से प्रेम क्या होती है, उनसे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्या होता है, उसको क्या आइडिया। वो जो कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट। उसने तो 14-14 वकीले लगवाई थी बाबर और ठरके आजम के पक्ष में, वो क्या जानने गई भगवान की श्रद्धा, वो तो एक फिरंगी औरत। उनका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो देखें। और देखें, ये भी कहना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले वो सिर्फ मोदी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने प्राइम मिनिस्टर को सराहना। और जब भी किसी को कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो जाहिर बात है वो पहले से डबल काम करने की कोशिश करते हैं। और ये उनको अभी थर्ड टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो वो अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं तो वो मेरे ख्याल में आपका इंटरव्यू जो है वो कम पड़ जाएगा, हमें जो है बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। तो देखें, आप उनकी अचीवमेंट्स देखें, मैं तो उनका फैन हूँ ही हूँ। इंडिया के अलावा भी उनके और मुल्क में बहुत सारे फैंस जो है मौजूद हैं। और जैसे मुझे उन्होंने पहले फैन किया है, लास्ट टाइम उन्होंने जो है सबसे ज्यादा फैन करने वाली बात थी, जैसे वो चाय पी रहे थे गरीब घर में जाके किसी के, तो वो बड़ी एक मुझे दिल को जो है छू जाने वाली बात थी। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को जो है वो उन्होंने रास्ता दिया। तो ये एक नज़र आती है कि एक इंसान में ह्यूमैनिटी है। देखें, एक इंसान जब नीचे बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर जब बनता है वो, तो जाहिर बात है वो हर तकलीफ को जानता है। और फिर वो, और एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ये जरूरी होता है कि वो छोटे छोटे अपने मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफों को खुद उसने झेला हुआ हो, तो फिर ही वो उनको महसूस कर सकता है और फिर ही जो है वो उनके लिए कुछ कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक जो एक मैसेजिंग है वो जो की है, वो अपने हिंदी हार्टलैंड के अंदर या ओवरऑल पार्टी के आइडेंटिटी के लिए। सो ये भारत जो है एक बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चल रहा है, दैट इज बीजेपी, दैट इज आरएसएस अगर आप इसको कह लें। और जो बीजेपी जो पार्टी है, ठीक है जी, वो एक जिसे कहते हैं ना अनचैलेंजिंग किस्म की नेशनलिज्म है, अनचैलेंजिंग किस्म की, पर्टिकुलरली इन द हिंदी हार्टलैंड। और ये 10 साल ऑलमोस्ट आप देखें उन्होंने ये चीज़ की और उनका इस वक्त पूरा कंट्रोल है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो असर सूख है, उनकी जो इस हद तक असर सूख है कि डॉक्टर जय शंकर को किताब लिखनी पड़गी वाई भारत मैटर्स, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसकी जो डेफिनेशन है फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर द रीजनल प्लेयर्स, सब चेंज कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात भी करता है, वो डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, और वो इंडिया की ग्लोरी एज ए ग्लोबल स्टेज। आपको पता है अक्सर मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ कि हिंदुत्व, डेवलपमेंट एंड इंडिया एज ए मेजर प्लेयर। जो डॉक्टर जय शंकर की कहानी हर रोज आप सुनते हैं, जिस अंदाज से वो जिस अंदाज से डॉक्टर जय शंकर अपना बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या होगा, ठीक है, और इंडिया को कैसे देखा जाए, वो सारे का सारा जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिसेंट जो असेंबली पोल्स आपके सामने हुए हैं, असेंबली के डिफरेंट इलेक्शंस हुए हैं इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या है,
ठीक है जी, वहाँ पे अमूमन जिसे कहते हैं ना कास्ट का वोट मिलता है, वेलफेयर का मिलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जिसे कहते हैं ना कि जो जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की और जिस तरह बीजेपी को लेके वो सामने आए हैं, दैट टेल्स के इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक कंप्लीट डोमिनेशन है। ठीक है जी, बीजेपी एज ए पार्टी जो है जिस तरह वो मोदी का मैसेज पूरी दुनिया के सामने और पर्टिकुलरली अवाम के सामने लेके जा रही है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक इंडियन अमेरिका में बैठा हुआ, एक इंडियन लंदन के अंदर, एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक इंडियन जो है वो जर्मनी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर 50 मुल्कों में राम मंदिर की सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो ये क्या है बेसिकली। ठीक है जी, बीजेपी लीडर्स जो हैं वो जो कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट, और वो कैसे जिसे कहते हैं ना कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कंट्रोल जो है वो उनका बढ़ता जा रहा है। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर आप ये देखें कि सारी की सारी जो एक सोशो कल्चरल डायनमिक्स हैं नरेंद्र मोदी ने बदल के रख दी हैं और इंडिया को बिल्कुल एक डिफरेंट शेप में वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर जयशंकर की बुक वाई भारत मैटर्स अगर आप देख लें, आप उसको देखें, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्लोगनरिंग है, जो इलेक्शंस हैं उसको देखें, तो यू विल कम टू नो कि वो क्या सोच रहे हैं और किस अंदाज से वो सोच रहे हैं। बाबरी मस्जिद पे जो हंगामा चला था वो तो कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था ना, कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था, पर कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रामलला की जन्म स्थान सनातनियों को वापस मिले। नेहरू जी डायरेक्ट बात करते थे अयोध्या के चीफ मिनिस्टर से, ओए ताला लगाओ, जब तक नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी कोर्ट नहीं देगा तब तक ताला लगा रहेगा। तो ये नेहरू ने किया था, नेहरू को कोई मतलब नहीं था, नेहरू को अपनी गद्दी से मतलब था। नेहरू को अगर अखंड भारत से मतलब होता तो नेहरू कभी पाकिस्तान बनने देता? नेहरू ने सोचा कहीं जिन्ना बन गया प्रधानमंत्री तो हम क्या करेंगे, तो उसने कह दिया कि मैं तो अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना रखूं जिन्ना को, तो भैया चलो गांधी के गोद में दोनों मिलकर के बैठ जाते हैं और गांधी तो है ही वैसा, तो चलो पाकिस्तान इस्लामिक देश बना देते हैं। जो बार बार डांसर सोनिया गांधी है, इसने क्या किया था, इसने जब 14 वकीले खड़ा किया था तो उन वकीलों के साथ साथ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुसलमान जज ने यह बात कही थी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो भगवान राम के का जन्म स्थान है। तो जगत गुरु रामभद्र आचार्य ने राम जी के पक्ष में वेद और पुराण से 441 प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब वो जो मुसलमान जज थे वो उनको भी थोड़ा सा लगा, वो कहें कि नहीं हम तो इसको नहीं मानेंगे, अब आप इसको वेदों और पुराणों से साबित कीजिए। जगत गुरु रामभद्र आचार्य को कांग्रेस ने अरेस्ट करवाया, कांग्रेस ने जेल भेजवा।